नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेआर न्यूज़। मैं हूं आपके साथ कंचन सिंह राजपूत। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। भोपाल सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने पूर्व मंत्री पीसी शर्मा और नर्मदा परिक्रमा वासियों के विरोध दशहरा उत्सव के मंच में टिप्पणी की, जिसको लेकर कांग्रेसियों में रोष है। कांग्रेसियों का कहना है, जब भोपाल कोरोना काल में आपातकाल से जूझ रहा था, ऑक्सीजन खत्म हो गई थी, तब वे कहां थी? और अब जब देश महंगाई से जूझ रहा है, तो वो कभी गरबा खेलती है, नहीं तो व्हीलचेयर पर बैठकर ड्रामा करती है। इसको लेकर पूर्वोक्ता पर सांसद प्रज्ञा ठाकुर का पुतला दहन किया, और अगर वो नहीं सुधरी तो अगला आंदोलन उनके निवास का होगा। मोहम्मद शावर वार्ड अध्यक्ष 41 ने पुतला दहन का विरोध प्रदर्शन किया। इस पुतला दहन के दौरान नजीर खान, राजा जावेद, आसिफ खान, राशिद खान, अंकित साहू, साबिया नजीर, आदिल कुरैशी, सादिक खान, आरिफ खान, मोहन खटीक, अमजद अली, फहीम खान, अरविंद मिश्रा, सुनील शुक्ला, मोहम्मद जुबेर अली, शमीम खान, इशरत बनो, फिरोजा बेगम, जुनेद खान, आकिब खान आदि सभी क्षेत्र के नागरिक एवं समस्त कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित है। भोपाल से संवाददाता आदिल खान की रिपोर्ट। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद राहुल गांधी, जिंदाबाद पीसी शर्मा, जिंदाबाद 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 प्रज्ञा ठाकुर, हाय हाय प्रज्ञा ठाकुर, हाय कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। जब से आप सांसद बनी है, आप कहाँ हैं? जब भोपाल के अंदर कोविड का दौर चल रहा था, तो जब आप लापता थी, लोग ऑक्सीजन के लिए फिर आ रहे थे, परेशान हो रहे थे, आप कहाँ थी? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप भोपाल की सांसद तो बन गई, मगर भोपाल की जनता की आपको फिक्र नहीं है। कांग्रेस के कार्यकर्ता आपको मुंह तोड़ जवाब देंगे, और जिस भी कार्यक्रम में आप जाएंगी, कांग्रेस के कार्यकर्ता काले झंडे दिखाएंगे। आपने तत्काल आपको माफ़ी मांगना चाहिए, और आपने इस तरीके की टिप्पणी की, कांग्रेस के कार्यकर्ता बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगला आंदोलन आपके बंगले के सामने होगा, जिसकी जवाबदारी जिला प्रशासन और कांग्रेस मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार और शिवराज सिंह चौहान की होगी। अभी के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।